नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन स्पेशल न्यूमेरिकल की क्लासेज हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है और प्लेलिस्ट में हमने अभी तक 40 क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा दी है। एक साथ सभी क्लासेज मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी क्लासेज को देख लीजिए। आज की क्लास हमारी न्यूमेरिकल की 41 नंबर क्लास है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज भी हम आपके सामने विस्तार से समझाएंगे। उम्मीद है हर बार की तरह ये क्लास भी आपको पसंद आएगी। एक प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में ज़रूर कर दीजिए, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल को, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध है और PDF नोट्स भी उपलब्ध है और आप चाहे तो पेड कोर्स भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में हर मंडे फ्री प्रैक्टिस में टेस्ट होते हैं, उसको भी अटेम्प्ट कीजिए। प्रैक्टिस में टेस्ट पहले से डाल रखें। ऐप डाउनलोड करते ही आपको 300 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 25-25 प्रश्नों के लगभग आपको 30 के आसपास टेस्ट जो है वो फ्री मिल जाएंगे। सॉरी, 30 क्या, 15 के आसपास टेस्ट फ्री मिल जाएंगे आपको, तो वो फ्री टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जाइए, पहला काम कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए। आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको मैं पहले बोर्ड पर लिख लेता हूँ ताकि अपनी थोड़ी समय की बचत हो जाए। पूरी लैंग्वेज में जब क्वेश्चन लिखा हुआ हो तो समझ में आसानी से आता है, इसलिए मैं पूरी लैंग्वेज में आपके सामने क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर अपने उसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्या कहता है एक बार पूरा सवाल पढ़ करके बता देता हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सेल और बैटरी से संबंधित ये सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि 36 वोल्ट की एक बैटरी को 2 एम्पियर धारा पर नियत दर से चार्ज करना है। यानी एक बैटरी है जिसकी रेटिंग 36 वोल्ट की है, कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड से इसको चार्ज करना है। चार्जिंग करंट का मान 2 एम्पियर रखा जाना है। यदि चार्जिंग सोर्स का मान 100 वोल्ट हो तो बैटरी के सीरीज में संयोजित होने वाले प्रतिरोधक का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, बात सीधी सी है, नियत धारा चार्जिंग विधि का उपयोग ही तब करते हैं जब सोर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो और बैटरी वोल्टेज कम हो। इवन वो ऑप्शन आपको 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट बैटरी का भी दे सकता है, क्योंकि इस विधि का उपयोग ही तब करते हैं जब सोर्स वोल्टेज बहुत हो। अब देखो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं आपको बता दूं। मान लीजिए ये कोई हमारा DC का सोर्स है जिसकी वोल्टेज 100 वोल्ट है, ये है हमारी वो बैटरी जिसे हम आवेशित करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से इस सोर्स के साथ कनेक्ट करना होता है, जब बैटरी को चार्ज करना है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट करना होता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो धारा यूं प्रवाहित होती है, प्लस से माइनस की ओर, और यहाँ लोड कनेक्ट होता है। लेकिन अब बैटरी आवेशित हो रही है तो करंट कैसे प्रवाहित हो रही है, यूं, यानी बैटरी में वापिस उल्टी करंट प्रवाहित हो रही है, आप यूं समझ लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो लोड धारा के विपरीत धारा दिशा होती है तो बैटरी को आवेशित होना माना जाता है। अब हमें क्या करना है कि इस बैटरी को चार्ज करना है, लेकिन हम सब जानते हैं 36 वोल्ट की बैटरी है, चार्ज तो हो नहीं सकती, तो इसके यहाँ हमें एक प्रतिरोध लगाना है R, इसका मान पूछा है। देखो हमें इसकी दो चीज़ें पता है, इस प्रतिरोधक की दो चीज़ें पता है, और अगर दो चीज़ें पता है तो फिर R ज्ञात कर ही सकते हैं। गुरु जी कौन कौन सी दो चीज़ें, आइए मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता है कि हमारे इस प्रतिरोधक की वोल्टेज कितनी होगी, हमें 100% कन्फर्म है, क्योंकि हमें जो प्रतिरोधक लगाना है हम उसकी वोल्टेज को कितना ड्रॉप करवाना चाहते हैं। ध्यान से देखो, 100 वोल्ट के सोर्स पर 36 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना चाह रहे हैं। 100 माइनस 36 करो, 64 वोल्ट हो गया। यानी हमें ऐसा प्रतिरोधक लगाना है जो 64 वोल्टेज को ड्रॉप कर सके। बताओ एक बात समझ में आई क्या, आई थिंक सारे समझ गए।
दूसरी चीज कन्फर्म है कि ये जो करंट प्रवाहित हो रही है इस बैटरी में वो 2 एम्पियर है। और प्रतिरोध को भी देखो, हमने बैटरी के श्रेणी क्रम में जोड़ा है। इट मीन्स जो 2 एम्पियर का करंट बैटरी में से फ्लो होना है वही दो एम्पियर का करंट इस प्रतिरोधक में से भी फ्लो होना है, यानी प्रतिरोधक की करंट भी हमें मिल गई 2 एम्पियर। बताओ प्रतिरोधक का मान ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। R बराबर V बटे I लगाओ, 64 वोल्ट बटे 2 एम्पियर, यानी कि 32 ओम का प्रतिरोधक लगेगा। बताइए एक सवाल समझ में आया क्या? पूरा सवाल बोर्ड पर आपके सामने है, लिख लीजिए, पूरा उत्तर नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। चलिए दोस्तों सवाल नंबर दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये भी मैंने लिखा है ताकि समय की बचत हो। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि एक ऐसा लैंप है या कोई भी इक्विपमेंट है मान लीजिए जो 100 वोल्ट और 150 ओम की रेटिंग का है, यानी हमारे उस लैंप की, हमारे उस रजिस्टर की या हमारे उस इक्विपमेंट की रेटिंग कितनी है कि वो 100 वोल्ट और 150 ओम का है। हमें इसे कनेक्ट करना है कहाँ पर? 250 वोल्ट सप्लाई पर। देखो सीधी सी बात है, 100 वोल्ट रेटिंग वाले को 250 वोल्ट सप्लाई पर सीधा तो नहीं कनेक्ट कर सकते, है ना? तो इसके श्रेणी क्रम में हमें कोई ना कोई एक रजिस्टर तो जरूर कनेक्ट करना होगा, भी सीधे से लग नहीं सकता। तो अब अपन से क्या पूछ रहे, ध्यान से देखना, ये वही मान लीजिए इक्विपमेंट है, लैंप या कुछ भी मान लीजिए, और ये हमारा सोर्स है 250 वोल्ट रेटिंग का, और हमें क्या करना है, इस 100 वोल्ट 150 ओम वाले को कनेक्ट करना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई रजिस्टर हमें कनेक्ट करना होगा, राइट? अब ये भी उसी के जैसा ही है, सेम चीज़ें आ गई, क्वेश्चन की 2 लैंग्वेज अलग अलग दी है, बाकी चीज़ें सेम है। मैंने दोनों सवाल एक साथ आपको इसलिए करवाए हैं कि आप प्रश्न को देख करके ये ना सोचें कि ये तो डीसी थ्योरी का है और वो सेल वाले टॉपिक का था। देखिए दोनों का तरीका एक है, दोनों को सवाल पूछने की चीज़ एक है, एक्सप्लेन करने का या यूं कहें कि हल करने का, सोल्व करने का तरीका एक ही है। सेम क्वेश्चन यूं समझ लो कि रिपीट हुआ है। क्या करना है देखो, 250 वोल्ट की सप्लाई पर हमें 100 वोल्ट वाला कनेक्ट करना है, तो देखो हमें इस प्रतिरोधक की सेम वही चीज़ें आ रही है, इस प्रतिरोधक की वोल्टेज तो मिल गई, कितनी है, 250 माइनस 100, यानी 150 वोल्ट। बात समझ में आई क्या? इसको वोल्टेज कितने मिलेंगे 150 वोल्ट ड्रॉप करवाने, समझ गए? अब इस प्रश्न में डिफरेंस इतना सा है कि इन्होंने करंट नहीं दिया, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में करंट आपको दिया हुआ था, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले धारा निकाल देनी है, प्रतिरोधक में चलने वाली धारा। देखो अगर इस लैंप को 100 वोल्ट मिलेंगे तो फिर 150 ओम के हिसाब से धारा चलेगी कि नहीं, क्योंकि टारगेट ही हमें यही रखना है, तो इतनी ही करंट इसमें से चलेगी, ये भी कन्फर्म है ना। इसकी धारा निकाल दो, आई बराबर वी बटे आर होता है ना, 100 बटे 150 करो, उत्तर कितना आएगा, 2 बटे 3 एम्पियर। हल करके देख लेना, पॉइंटों में रखोगे तो बात अलग है, 1 0 से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी, 5 का भाग दे दोनों में जा रहा है, 2 बटे 3 एम्पियर आएगी, इतना ही रखो एक बार, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी। फर्क इतना सा आया है कि इसमें करंट दिया हुआ नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ था कि 2 एम्पियर की करंट है, आपने यहाँ पर करंट कैलकुलेट किए, बस अंतर इतना सा ही है और कुछ नहीं है, ठीक है? आ जाओ प्रतिरोध का मान ज्ञात कर देते हैं, वी बटे आई होगा कि नहीं, वोल्टेज का मान 150 वोल्ट, करंट कितना है 2 बटे 3, तो 2 यहाँ और 3 ऊपर, कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, मेरे हिसाब से 225 ओम इसका उत्तर आएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? मुझे लगता है 2 क्वेश्चन वगैरह दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको करवाए, दोनों में थोड़ा सा तरीका चेंज था, चीज़ एक ही थी। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बोर्ड से, चाहो तो वीडियो को रोक करके लिख लो, बट इन दोनों प्रश्नों को कहीं अच्छे से नोट जरूर कर लेना।
तो चलिए दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा सवाल है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम देखते ही बड़ा आसान लगता होगा, लेकिन एक तो डायग्राम इस तरह से बनाया हुआ है कि बच्चे इनकमिंग आउटगोइंग करंट में ही कंफ्यूज हो सकते हैं, और दूसरा सवाल भी थोड़ा सा अलग पूछा है। देखो क्या पूछा है इसने, क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, और अब देखो सीधी सी बात है एक स्टेप अगला आगे बढ़ेगा। अब ये तो है नहीं कि हर बार इतना आसानी क्वेश्चन पूछता रहे कि बताओ I5 शाखा में धारा का मान कितना है। क्वेश्चन का लेवल कैसे बदल दिया, देखो क्या कह रहा है कि चित्र में, यानी जो चित्र आपको दिखाया गया है, I5 माइनस I1 धारा का मान बताइए। हालांकि आसान बहुत है, कोई बहुत बड़ा टफ या बहुत अलग चीज़ नहीं है, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ गया, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया। हो सकता है 5% बच्चे कन्फ्यूज हो जाए, कर सकता है कि नहीं, आओ जरा देखो। सबसे पहली बात I5 और I1 के बीच का अंतर पूछा है, ये रहा I1, ये रहा I5। बट प्रॉब्लम ये है कि I5 का मान सीधे तौर पर दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब आपको सबसे पहले I5 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। किरचॉफ का करंट नियम लागू करना है। क्या कहता है धारा नियम, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर है। अब इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो सभी में दिशाएं एक समान नज़र नहीं आ रही है क्या, लेकिन नहीं, धारा की दिशा को जंक्शन के सापेक्ष मानना होता है। आप जंक्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो I1 और I2 की दिशा देखो जंक्शन की ओर आ रही है, ये जंक्शन की तरफ आने वाली हो गई, और अगर आप 3, 4 और 5 देखते हैं तो ये जंक्शन से दूर जा रही है। मतलब डायग्राम ऐसा है कि सब में दिशा एक जैसी लग रही है, अगर ये रेफरेंस ना हो तो देखो दिशा कॉमन है कि नहीं, लेकिन ध्यान रखना संदर्भ बिंदु के सापेक्ष होती है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, 1 और 2 का योग 3, 4, 5 इन तीनों के योग के बराबर होगा, किरचॉफ ने यही कहा, या फिर वो ये कहता है कि 1 + 2 - 3 - 4 - 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी समीकरण लगा दो उत्तर आ जाएगा। देखो 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 2 और 3 5, ठीक है ना, इसका अगर योग करते हैं तो 1.2 और 0.8 यानी 2 एम्पियर हुआ, तो 2 और प्लस करना है I5। जब I5 आप निकालते हो तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर से पहले, और 5 में से 2 घटाओगे तो 3। I5 धारा का मान कितना है, 3 एम्पियर। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है, ध्यान से समझिएगा, उत्तर तो क्या पूछ रहा है, I5 और I1 का अंतर पूछ रहा है। अब देखो I5 माइनस I1, I5 देखो आपने कैलकुलेट करी है अभी कितनी आई, 3 एम्पियर। I1 देखो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कितना, 2 एम्पियर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 1 एम्पियर। ये है हमारा वास्तविक उत्तर जिसकी हमें कैलकुलेशन दी गई थी। बताओ सवाल समझ में आया क्या, आसान क्वेश्चन था ना गुरुजी, लेकिन दिया इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इसने चेंजेस डाल दिया इसमें, और कुछ डायग्राम की आकृति ऐसी थी मुझे ऐसा लग रहा था, तो सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। अब इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, 3 एम्पियर वाले के बारे में। मान लो इस प्रश्न में आपसे केवल इतना ही पूछा होता कि शाखा धारा I5 का मान बताओ कितना है, और I5 के 3 एम्पियर के 2 ऑप्शन होते, प्लस के 3 एम्पियर भी होते, माइनस के 3 एम्पियर भी होते, कितना करते माय डियर बताइए। याद रखिएगा ऐसा एज्यूम किया जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है
जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव, जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव मान माना जाता है हमेशा। यानी अगर दो ऑप्शन मिलते हैं तो फिर आप -3 एम्पियर की तरफ जाना, ठीक बात है। किसकी तरफ जाएंगे? -3, क्योंकि इस समीकरण में आप रखते हैं तो 3 माइनस का होगा तभी आपका उत्तर आएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यही थे आज के हमारे 15 मिनट की क्लास। मुझे लगता है बहुत कुछ हमने इसमें सीखा है, हालांकि क्वेश्चन तो 3 ही हुए हैं, थोड़ी सी समय की प्रॉब्लम है। जैसे ही टाइम मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन बेच के कारण नहीं मिलता टाइम, तो जैसे ही टाइम थोड़ा सा और मिलेगा, लंबी क्लासेज आपको मैं ज़रूर दूंगा। बट जिस तरह से मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, आई थिंक ये प्रश्न दोबारा आपके सामने आ गए तो कर दोगे। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ एक एक ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना यार।